अभी हम मौजूदा शहीद स्मारक पर, जहां बीते 22 दिनों से लेवल 1 शिक्षक अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित हुई थी। उसमें लगभग 15,000 पदों पर सरकार की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया दे दी गई है, लेकिन 5,000 पद ऐसे हैं जिनमें अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। आज इनके मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन इनको आज कोई बड़ी खबर नहीं मिली। सर, लगातार 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, आज हाई कोर्ट में आपका मामला था, क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ी लापरवाही की गई जिसके कारण आपका मामला आज हाई कोर्ट से नहीं सुलझ पाया? जी सर, डेट पे डेट मिल रही है, कोई सुनवाई तो होती नहीं, क्लियर तो कोई मैटर होता ही नहीं है, तारीख पे तारीख है, क्या करें आगे, हमारे पास कोई है। सर, आज आपके चेहरे में मायूसी छा रखी है, उसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भगवान ही है, और कौन है? सरकार तो सुनती नहीं है, कहाँ जाएंगे, घर जाने के लिए योगी रहे नहीं। सर, लगातार 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, किन किन परेशानियों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र से आए हैं? सर, परिस्थितियाँ सब है, न हमारे पास पैसे है, न हमारे पास कपड़े है, न रहने की सुविधा है। अब हमारे कपड़े भी यहाँ बैठे बैठे फट गए पूरी, जूते वो भी फट चुके हैं, खाने की व्यवस्था पैसे खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है हम पैरवी करवाएंगे, पैरवी में ये कहती है कि हमने ज्वाइनिंग दे दी है। अब ज्वाइनिंग पता नहीं किसको दी है, 15,000 को दी है, हमारे को दी है, हमारे को देते तो यहाँ क्यों बैठते, दे तो 15,000 को बता रहे हैं, 19,000 को दे दी है, कभी कहते 20,000 को दे दिए, 1,000 पोस्ट खाली है, उनको देंगे कम स्कोर वाले नंबर वाले, वो पीछे बैठे, अरे स्कोर तुम्हारा देखो ना आके, तब पता चलेगा क्या स्कोर हमारा है नहीं है। सर, आपका चयन हुआ था तब परिवार में खुशी का माहौल था, अब आप पिछले 5 महीनों से नियुक्ति की को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज पास पड़ोसी और ये आप ताना भी मारते होंगे, उसको लेकर क्या? इस ताना तो मारते हैं तब तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो यहाँ क्यों बैठते, तानों की वजह से तो यहाँ आके धरना पर बैठे हैं कि सरकार हमारी सुन ले तो हमारी नियुक्ति हो जाए, हम भी खुशियाँ लेके घर चले जाएंगे। पर सरकार तो, मेरे को तो लगता नहीं है सरकार हमारी पैर भी मजबूती से करके ज्वाइनिंग देगी, अनपॉसिबल लग रहा है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी हैं जो रीट लेवल 1 से जुड़े हुए हैं, और आज इनका मामला हाई कोर्ट में था, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ सरकार की तरफ से कोई बड़ी लापरवाही की गई जिसके चलते इनको आज बड़ी राहत नहीं मिली। हमारे साथ इरा बोस सर, लगातार पिछले 22 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन किन कारणों से आज इनको राहत नहीं मिली? देखो, अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी लेवल 1 का मामला है, आज 22 दिन से शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोगों ने प्राथमिक जो बोर्ड है वहाँ पे सीताराम जी जाट से, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज से बार बार निवेदन यही किया है कि हमारी जो पैर भी मजबूती से करें, हम सरकार के साथ हैं, हम बोर्ड के साथ हैं, हम निदेशालय के साथ में, लेकिन उन्होंने अभी तक सूद ली नहीं है। आज डबल बेंच का जो फैसला है, अभी तक जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने 20,000 लोगों को नियुक्ति दे दी है, लेकिन हम तो फिर 20,000 को आपने नियुक्ति दे दी तो इस धरने पर कौन बैठे हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी सिंगल बेंच का फैसला बाकी है और उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, और आज हम इस धरने से शाम को ही ऐलान कर देंगे कि अगर आज हमारे प्रति हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम लोग यहाँ से दिल्ली भाजपा मुख्यालय का घेराव करेंगे, बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान में आह्वान करके यहाँ से पैदल कूच करेंगे और दिल्ली भाजपा कार्यालय का मुख्यालय पे वो वहाँ पे घेराव करेंगे, क्योंकि ये सरकार सुनती नहीं है। ये सरकार जो भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आज 15,500 को ज्वाइनिंग दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को पड़ी नहीं है, और डबल एजी साहब जो अभी नियुक्त हुए हैं उन्होंने उनसे पैरवी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि एजी साहब से हमारी पैरवी करवा दीजिए, तो पैरवी करो एजी साहब से, पैरवी कराने में इनको क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज़ का ये कर रही है बात? देखिए, इरा बोस्ते और सरकार पर इनका आरोप है कि सरकार की तरफ से आज हाई कोर्ट में पैरवी ढंग से नहीं की गई, जिसका काम आ जाए ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। सर, 5 महीनों से लगातार नियुक्ति के लिए आप दर दर की ठोकरें करें, आज आपको हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी कि आपको आज राहत मिलेगी, उसको लेकर क्या? जी सर, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि डिवीज़न बेंच में जो हमारा केस था वो लगा था और सिर्फ स्टे को चैलेंज किया गया था इसमें, ताकि हमारे जो है स्टे वो हटे, लेकिन आज जो डबल ई जी साहब गए थे हमारी पैरवी के लिए, उनका स्टेटमेंट, उनको पूरी बात ही जैसे कि कुछ पता ही नहीं था हमारे बारे में, इस तरीके से उन्होंने पैरवी की हमारी, कोई मजबूत पैरवी नहीं है। आज हमारे को कितने दिन हो गए हैं धरना देते हुए, 20-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन
हम RSSM भी बोर्ड से बार बार निवेदन कर चुके हैं, निक शिक्षा निदेशालय से कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री से बार बार कर रहे हैं कि हमारी मजबूत पैरवी कराए और हमारे स्टेट वाइज। RSSSG सर का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 21,000 की भर्ती थी जिनमें से 20,000 के आसपास दे चुके हैं नियुक्ति और 1,000 बचे हुए हैं। और जज साहब का स्टेटमेंट था कि 1,000 वही तो बचे हुए हैं जिनके नंबर जो थे वो कम थे थोड़े कट ऑफ से, उन्हीं का तो निकालना है, तो उनको तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए उस हिसाब से। लेकिन सर अगर ऐसा स्टेटमेंट था और ऐसी बातें थी तो हम यहाँ पर धरने पर बैठने की हमें कहाँ नौबत आ गई। यहाँ पर हम जो ज्वाइन कर चुके हैं स्कूलों में उनसे भी बेटर बेटर नंबर है, उनसे कहीं ज़्यादा नंबर है, लेकिन आज हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है कि आचार्य संहिता के पहले आ गई। चेहरे पे उदासी उसकी जिम्मेदार जी सर, आज जो चेहरे पे हमारे उदासी छा रही उसकी बिल्कुल जिम्मेदार AG की कमज़ोर पैरवी, शिक्षा मंत्री की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है। और अब सर क्या कहे सर, चारों तरफ से हम घुट रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ आगे का पता नहीं है, सब परेशान है सर टोटली, दिमाग से तो है ही है सर, यहाँ पे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितनी चीज़ों को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा है, मजबूती से पैरवी नहीं हो रही है। देखिए तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आज हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई थी, पिछले 22 दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है, आज आपके चेहरे पर उदासी छा रही है, उसकी जिम्मेदार कौन है? देखो सर इसका जिम्मेदार सरकार है, हम PS कैटेगरी से आते हैं तो पहले तो हमारे मेडिकल नहीं कराए गए और मेडिकल कराया तो आचार संहिता लग गई, आचार संहिता को निकाला तो स्टे चल गया। अब हमारा क्या गुनाह है जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें तो जॉइनिंग देना, हम मतलब उन पे भी लागू नहीं होता, स्टैम्प पे लागू नहीं होता, पर हमने क्या कर दिया सरकार का जो हमें जॉइनिंग से रोका जा रहा है, जल्दी से जल्दी पैरवी करवा के हमें जॉइनिंग दी जाए। इन अभ्यर्थियों की सरकार से यही मांग है कि लगातार इनका प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा नहीं दी जाती। आपको बता दें पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने Level 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी जो लगभग 21,000 पदों पर थी, उसमें से 15,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा दे दी गई है, लेकिन पिछले 5 महीने से 5,000 चयनित शिक्षक ऐसे हैं जो नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका 22 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है और इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।